वेलकम टू स्मार्ट पीसीबी सर्विस। तो आज की वीडियो में हम जो है वो देखने वाले हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन का जो एरर है इस पीसीबी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने पीसीबी को ऑन कर दिया है। मैं जैसे ही इसे स्टैंड बाय से रिलीज करूँगा, हमने जो इसके अंदर कंप्रेसर है वो अटैच करके रखा है लोड के ऊपर, और इसके अंदर जो है वो डीसी मोटर भी हमने इसके अंदर लगा रखी है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर जो है जब खाली कंप्रेसर जो है आउटडोर की मोटर जो है वो रन करने लगी है, कंप्रेसर ने 0.1 एम्पेयर लिया और हमारा कंप्रेसर जो है वो ट्रिप हो गया। और इसके अंदर जो है वो एरर आएगा, इसके अंदर एरर आएगा 33 टाइम ब्लिंकिंग का। तो 33 टाइम अगर हम इसके यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइव फेस करंट ओवर करंट फॉल्ट, और L3 का इंडोर के अंदर एरर आएगा बहुत टाइम के बाद, और 33 टाइम जो है ये LED ये ब्लिंक करेगी। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, हम इसे जो करते हैं ऑफ। अभी मैं इसके अंदर जो है वो एक दूसरा कंप्रेसर अटैच करने वाला हूँ जो विदाउट लोड वाला है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये इसके हमने विदाउट लोड पे चेक करेंगे, तो स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। तो ये मोटर है वो इसकी ऑन हो चुकी है। इसके अंदर जो है डीसी, अभी अपना कंप्रेसर भी है, आप देखेंगे तो आपको साउंड आ रहा होगा, ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे चेक करके दे देंगे तो इस हिसाब से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोड के ऊपर जो है ये कंप्रेसर नहीं चलता। आज इस वीडियो में हम एसी का सलूशन करने वाले हैं, तो देखेंगे तो कंप्रेसर हमारा आराम से चल रहा है, और लोड के ऊपर जो है ये 0.2 एम्पीयर तक गया, 2 सेकंड चला और उसके बाद जो है वो बंद हो गया। तो अभी तो मैंने इसको बंद किया है और देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। तो हमें इसे करते हैं ऑफ, और इसे जो है हमें स्टेप बाय स्टेप जो है टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एरर है वो किस सेक्शन से आ रहा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ड्राइव फेस ओवर करंट होना चाहिए कि हमारा एरर है। हमारी IGBT को चलाने के लिए जो 6 ड्राइव आती हैं इस IC से, और ये IC भी तभी आउटपुट करेगी जब MCU इसको 6 सिग्नल देगा। अगर हमारा कोई एक सिग्नल वीक हो या कोई एक सिग्नल मिस हो तब भी हमारे पास यही प्रॉब्लम आएगी। अगर हमारे किसी वजह से ये 6 सिग्नल इस IC तक इनपुट में बिल्कुल ओके हो और हमारे जो है इसकी जो आउटपुट है वो सही ना हो, तब भी ये हमारा एरर आ सकता है। और अगर हमारी यहाँ पर भी इसकी इनपुट बिल्कुल सही है, आउटपुट भी बिल्कुल सही है, तो हो सकता है हमारा कोई IGBT शॉर्ट हो, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पूरा शॉर्ट रहता है तो हमारा कंप्रेसर विदाउट लोड भी जो है नहीं चलेगा। तो अगर ऐसे आप इसके सारे वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको सही मिलेंगे, क्योंकि हमारा कंप्रेसर जो है वो चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको आप कस्टमर के घर पे जाके लगाएंगे लोड पे, तो वहाँ ये नहीं चलेगा, तो आप सोचेंगे शायद भाई उनका कंप्रेसर ख़राब हुआ, क्योंकि हमारे पास तो ये चल रहा है। तो सबसे पहले यही है कि हमको प्रॉब्लम को समझना है। ड्राइव फेस ओवर करंट है, मतलब जो ड्राइव आती है हमारे IPM को चलाने के लिए 6 IGBT और कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए, अगर उसमें से किसी एक सिग्नल का अगर सीक्वेंस भी वीक होगी तो भी ये IC प्रॉपर आउटपुट नहीं करेगी और हमारा कोई भी एक IGBT वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। कहने के बाद ये है कि कोई भी हमारा एक सिग्नल वीक है, या तो ये IC आउटपुट में नहीं सही कर रही है, या हमारा कोई डिस्चार्ज सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है, या हमारा कोई IGBT वीक है तो जब ये लोड पे आता है तो वो शॉर्ट बिहेव करता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। मतलब जो 6 ड्राइव से रिलेटेड हमारा जो सर्किट है, ड्राइव से लेके इस 6 IGBT तक, इसी के अंदर हमारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें इस 6 सिग्नल की रीडिंग चेक करनी है, जैसा कि इस मैंने बहुत वीडियो के अंदर बताया है पहले ही इसको। तो हमें डायोड मोड के ऊपर करना है, और हमें यहाँ पर जो है पिन को छोड़ के दूसरी से लेके हमें 6 पिनों तक हमें रीडिंग एक जैसी मिलनी चाहिए, 711, 712 कुछ।
और ये दो नंबर पे ना, और ये तीन नंबर, और यहाँ पर है चार नंबर, और ये पाँच, और ये छः। तो हमारे छः सिग्नल इनपुट के अंदर जो है उनकी रीडिंग तो हमें बिल्कुल सही मिल रही है, 711-12 रीडिंग है जो सही है। उसके बाद तो इसकी जो होती है वो शायद फॉल्ट आउटपुट पे ना, यहाँ तो आपको डायोड रीडिंग मिलेगी। अब हमें इसकी आउटपुट भी चेक करनी है, ये तो इनपुट की तो ओके है, अब आउटपुट की कैसे चेक करें। यहाँ से लास्ट वाली जो पिन है इसकी, ये शायद 14-28 पिन का है, जो 15 और 16 नंबर शायद इसकी जो पिन है, यहाँ पर आपको एक एक रजिस्टर और एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा, तो इस रजिस्टर पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिन पे, यहाँ पर जो है वो इसको चेक करने के लिए ये तीन जो है आप देख सकते हैं टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी सेम। ठीक है, 1 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। ये हाई आउटपुट का है, तीन का। लो का क्या होता है, लो की एक लास्ट पिन होती है यहाँ पे, 14 नंबर पिन जो लास्ट वाली है, और इसके साथ वाली ये दो पिन है, तो यहाँ भी हमें जो है एक डायोड रीडिंग मिलेगी। ठीक है, 632। ठीक है, ये भी, तो ये भी ठीक है। तो मतलब इसके इनपुट से लेकर आउटपुट तक तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमें क्या चेक करना है, चलिए हम जो है यहाँ पर हमारे IGBT टेस्ट कर लेते हैं। 420, और यहाँ पर 420, ये तो सही है। ये हो गए हमारे लो साइड के, अब हम चेक करेंगे हमारे हाई साइड के, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो इसी से रिलेटेड है। चलिए, ये भी सही है, 419, ये भी सही है। और इसके अंदर ये भी हो सकता है, अगर हमारा कोई बूस्ट टाइप कैपेसिटर अगर वीक हो तो ये भी हो सकता है। तो तकरीबन उसे हमें ऑन करके हम इन तीनों के ऊपर जो है वो वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसको ऑन करने से पहले पहले हमें जो है वो हमारी प्रॉब्लम ढूंढनी है, जब तक हमें हमारा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी हम इसे कैसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल देखने में सही लग रहा है, और ये विदाउट लोड पे चल भी रही है, तो हो सकता है सब लोग यही समझें कि ये PCB सही है, लेकिन प्रॉब्लम तो इसके अंदर है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ बचती है, अब बचता है हमारा ये ड्राइव सर्किट। सबसे पहले इसे रजिस्टर मोड के ऊपर कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो पहले हमें जो है सारी रजिस्टरों को जो है वो चेक करना है। तो तकरीबन सारी रजिस्टर ही हमारी सही है। अब हमें जो है रेट जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको भी चेक करना, हो सकता है हमारा इनमें से भी खराब हो। तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता है, इसकी फर्स्ट पिन जो है इस साइड से वो बेस होती है, तो बेस पे हमें ये ब्लैंक प्रॉब रखनी है। सही है, तो हमारे चेक करने के हिसाब से तो हमारे ये सारी रीडिंग भी सही है, हमारे सारे ट्रांजिस्टर गेट ड्राइव सर्किट ये भी सही है, ये तीनों सही है, ये तीनों सही हैं। और एक बार हम ऑन करने के बाद क्या चेक करेंगे, इनके वोल्टेज हैं वो भी सही हैं। वैसे तो तकरीबन सही है क्योंकि विदाउट लोड भी चला, अगर ये आई सेंस में किसी का भी वोल्टेज मिस रहेगा तो ये तो चलने वाला नहीं है विदाउट लोड भी। तो अब हम क्या करें, हमारी टेस्टिंग के हिसाब से तो सारा कुछ इसमें सही है। तो होता क्या है, ठीक है, यहाँ हो सकता है कि सारी की सारी रजिस्टर सही हों, लेकिन जब इसको चलने के लिए ड्राइव आई थी लोड के ऊपर, हो सकता है कोई ना कोई हमारी रजिस्टर जो इसके अंदर है वो ड्राइव शोल्डिंग है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे बिल्कुल सही लगे, कोई भी आपको फॉल्ट ना मिले, तो इतना तो आपको पता है कि ड्राइव फेस का जो हमारा एरर है, मतलब जो यहाँ से ड्राइव आ रही है प्रॉपर, इस IGBT को प्रॉपर ड्राइव नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से
ओवर करंट हो रहा है, या तो आईजीबीटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है या ऑन नहीं हो रहा है प्रॉपर। ये दो कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी यहाँ से यहाँ ये सर्किट है तीनों छः सर्किट जो डिस्चार्ज वाले हैं ट्रांजिस्टर, सभी के ऊपर पेस्ट लगा के इसको जो है मैं थोड़ा थोड़ा शोल्डरिंग कर दूंगा दोबारा। उसके बाद हम इसे ऑन करके देखेंगे, अगर आपकी प्रॉब्लम इतने में सॉल्व हो जाती है तो इसी में से आपकी जो कोई रजिस्टर है वो ड्राई शोल्डरिंग, क्योंकि हम यहाँ से जब मीटर से चेक करेंगे हो सकता है रजिस्टर खराब ना हो, लेकिन जो नीचे से इसका प्रिंट होता है उसके ऊपर ये प्रॉपर वो कभी कभी मल फंक्शनिंग करती है, प्रॉपर काम नहीं करती, कभी कभी सही काम करती है, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से अगर एक हमारा बिल्कुल आगे, अगर आप एक डिस्चार्ज सर्किट एक निकाल भी देंगे ना कोई ट्रांजिस्टर इसमें से, तो भी ये पीसीबी कंप्रेशर खाली है वो चल जाता है, आप इतना ध्यान रखिए। सही है, अगर आपकी ये इसको डी शोल्डरिंग करने से दोबारा से शोल्डरिंग करने पे प्रॉब्लम सही हो जाती है तब तो सही है, आपको भी एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि यहीं पर है। और दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, इस आईसीपी की जो आउटपुट पिन है इस आईसी को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है शोल्डर कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारी छः रजिस्टर लगी होती हैं 51 ओम की, अगर यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो इन्हें दोबारा शोल्डर कर लेना है या इनको चेंज करके देख लेना है, या इसको पहले अच्छे से SMD से शोल्डर करके देख लेना है। तो SMD से ज़्यादा मेरे को टाइम लगता है, तो मेरे को ज़्यादा ईजी रहता है आयरिंग शोल्डर से, तो मैं जो है इस सबके ऊपर जो है वो पेस्ट लगाता हूँ पहले, और उसके बाद जो है हमें इसे एक बार ऑन करके देखेंगे। देखेंगे ये सारी रजिस्टर जो है वो अच्छे से शोल्डर हो चुकी है। हम इसे क्या करेंगे, इसे लगाते हैं लोड के ऊपर। तो मैं जो है इसके अंदर वो अभी लगाने वाला हूँ कंप्रेशर लोड वाला। एक बार आपको इसके आई सेंस के जो वोल्टेज है वो भी चेक करवा देता हूँ। इस आईसी की जो एक नंबर पिन है उसके ऊपर भी इसका जो प्रिंट यहाँ पर है, यहाँ पर हमें मिलेंगे 1.6 वोल्ट। और इस आईसी की जो 7 नंबर पिन से जो आउटपुट होती है उस पर भी हमें मिलेंगे 1.6 वोल्ट। और उसके बाद जो हमारी दूसरी IDS की जो 7 नंबर पिन है वहाँ पर हमें मिलेंगे 1.6 वोल्ट। और इस आईसी की जो एक नंबर पिन जहाँ से आउटपुट होती है वहाँ पर हमें मिलेंगे 2.5 वोल्ट। चलिए अब हम इसे जो है वो स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे और देखते हैं हमारा कंप्रेसर चलता है या नहीं। अभी आपको जो कंप्रेसर का साउंड तो नहीं आया क्योंकि खाली कंप्रेसर नहीं हमने इसमें लगाया है, गैस वाला लगाया जो दूर रखा है उसकी वायर हमने यहाँ पे अटैच की करी है। कोई दिक्कत होगी तो हमें यहाँ पर वो एरर आ जाएगा। इसके अंदर एसी मोटर है तो अभी तक मोटर तो रन नहीं आ, तो अभी जो है वो मोटर ऑन हो चुकी है। आपको जो है वो एम्पेयर मीटर तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारा एरर जो नहीं आया है और कंप्रेशर जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। तो मैंने वायर के अंदर जो है वो दूसरा मल्टीमीटर डाल रखा है, हो सकता है आपको हल्की सी आवाज़ आ रही हो क्योंकि हमारे पीसीबी के अंदर कोई एरर नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको जो है वो एम्पेयर मीटर जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3.3 एम्पेयर के ऊपर जो है हमारा कंप्रेशर अभी पहुँच चुका है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी आप देख सकते हैं कि विदाउट लोड के तो ये 1 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता है कंप्रेशर। तो मैं जो है इसके इंडोर के सेंसर को थोड़ा गर्म करता हूँ और देखते हैं एम्पेयर जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी 3.7, अभी जो है सबसे पहले ऐसे ही चलता है, 1.5 टन के ऊपर चले गया, उसके बाद 1 टन के ऊपर और उसके बाद 1.5 टन पे पूरी स्पीड पे ऊपर। तो आपको साउंड भी आ रहा होगा हल्का जैसे बाइक की स्पीड होती है,
तो यहाँ पर आप अंपेयर भी जो है वो देख पा रहे हैं। और मैंने ये इसी टेबल के इससे ज़्यादा तो शायद मूव नहीं होगा कैमरा, ये 6 एम्पेयर तक चला गया है और आप देखेंगे कोई भी इसके अंदर एरर नहीं है। और इसकी जो मोटर है वो आगे डीसी आप देखेंगे तो वो चल रही है वहाँ पर।